लास्ट क्लास में जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था डीबीएमएस का एंटिटी रिलेशनशिप एंड डायग्राम को लेके। और उस दिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपना टैबलेट नहीं लाया था, और आज वो मेरे घर पर ही है। तो लास्ट क्लास में हमने ईआरटी हमने के बारे पढ़ा में था पढ़ा बच्चों, था, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप एंड डायग्राम। एंड ना भी लगाओ तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी बोल सकते हैं, या इसको हम दूसरे भाषा में ईआर मॉडल भी बोलते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसमें एक एंटिटी होती है जो स्क्वेयर बॉक्स में रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होती है, एक एट्रीब्यूट होता है जो कि ओवल में रिप्रेजेंट होता है, और एक हमने पढ़ा था रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए हम लगाते हैं डायमंड बॉक्स, ठीक है। तो एंटिटी एक डिस्टिंक्ट थिंग है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी हो, एट्रीब्यूट मतलब विशेषता। जैसे मैंने बोला एक पर्सन, पर्सन एक एंटिटी है। पर्सन का कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, पर्सन का कोई नेम होगा, और पर्सन का कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब ये SSN क्या होता है? अमेरिका में सबका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है, पर हम तो भारत में रहते हैं तो हम इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं UID, ठीक है। तो यूजर आईडी हमारा देश का नागरिक एक तरीके का नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया। नेम कुछ भी सिमिलर, एड्रेस कुछ भी सिमिलर, लेकिन जो UID है वो सबका अलग होगा। तो इसको बेसिकली हम एंटिटी बोलेंगे, और ये जो हम लगा रहे हैं एट्रीब्यूट लगा रहे हैं। तो रिलेशनशिप कैसे दिखती है? रिलेशनशिप होती है जैसे मैंने बोला टीचर और स्टूडेंट के बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, टीचर और स्टूडेंट। टीचर का हमने देखा था, टीचर का कोई नंबर या कोई कोड होता है, कोड। टीचर का कोई नेम होता है, एज होता है, क्वालिफिकेशन है, स्किल हो गई, सैलरी हो गई, और स्टूडेंट का कोई रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, कोर्स हो गया, सेमेस्टर हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है। अब टीचर स्टूडेंट को क्या करता है, जो चीज करने वाली है वो रिलेशनशिप का नेम होता है। टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो टीचर टीचिस, टीचिस स्टूडेंट, टीचर टीचिस स्टूडेंट। अब इसमें जो टीचर के हमने एट्रीब्यूट लिए हैं, दैट इज टीचर का नेम, कोड, एज, क्वालिफिकेशन, या हमने ले ली सैलरी। तो किसी भी एंटिटी के कितने ही एट्रीब्यूट्स आप ले सकते हो, इसकी कोई पहले से फिक्स्ड लिमिट नहीं होती। लेकिन आप मुझको ये बताइए कि इसमें ऐसी कौन सी फील्ड होगी जो कि यूनिक होगी, जो कि रिपीट नहीं हो सकती। जैसे दो टीचर के नाम सेम हो सकते हैं, उनकी एज भी सेम हो सकती है, क्वालिफिकेशन भी सेम हो सकती है, सैलरी भी सेम हो सकती है, लेकिन टीचर का जो कोड होगा वो सेम नहीं होगा। तो जो सेम नहीं होगा उसको यूनिक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक की, यूनिक की। उसके नीचे हम ऐसे लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि भैया ये हमारा यूनिक की है। उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट के नीचे हम लाइन खींच देंगे, दैट इज अ यूनिक की रोल नंबर। हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ और ईआर मॉडल भी पढ़े थे, और उसको मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और आगे क्लास को लेके जाना चाह रहा हूँ। तो वो देख लेते हैं क्या क्या था। देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कार और एक्सीडेंट को लेके। उसका क्वेश्चन क्या आता है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ
एग्जाम के किस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें एक ईआरडी का मैंने सेक्शन अलग से बना रखा है। ये देखिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमारे पास यहां पर एक पहला क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आ रहा है देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेक एन ईआर डायग्राम ऑफ अ वेयर हाउस। वेयर हाउस किसे बोलते हैं? गोडाउन। गोडाउन को बोलते हैं वेयर हाउस। द वेयर हाउस हैज टू टाइप्स ऑफ आइटम्स। वेयर हाउस के पास दो तरीके की आइटम स्टोर की जाती है। पहली है लो रिस्क आइटम और दूसरी है भाई हाई रिस्क आइटम्स। द लो रिस्क आइटम्स आर इशूड ऑन रिसिप्ट ऑफ सिंपल चलान। लो रिस्क आइटम जो है वो इशू की जाती है बाई इशूइंग अ सिंपल चलान। लेकिन जो हाई रिस्क आइटम्स है ना दैट आर इशूड ओनली इफ द चलान इज वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय प्रॉपर अथॉरिटीज। द इशूज आर मेड ओनली टू अ वैलिड एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। ठीक है मेक नेसेसरी अजम्पशन। ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन है एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी ये देखिए ये हमने बना रखी है वेयर हाउस के ऊपर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा वेयर हाउस के ऊपर जो हमने बनाया हुआ है क्या वेयर हाउस हैज आइटम्स। अच्छा वेयर हाउस के पास क्या है? आइटम्स है। आइटम्स इज अ लो रिस्क आइटम और अ हाई रिस्क आइटम। आइटम दो प्रकार के जब भी किसी को आपको बाइफरकेट करना हो तो आप लगा देंगे इज अ और उसके लिए आप इस तरीके का बॉक्स का उपयोग करेंगे इज अ लो रिस्क आइटम और अ हाई रिस्क आइटम। जो लो रिस्क आइटम है लो रिस्क आइटम्स इशूड बाय सिंपल चलान। हाई रिस्क आइटम वेरीफाइड। ये लिखा है वेरीफाइड वेरीफाइड बाय द प्रॉपर अथॉरिटीज और इन सब के एट्रीब्यूट सेट कर देंगे। ठीक है तो दोबारा दिखाता हूं। वेयर हाउस का रजिस्ट्रेशन नंबर सिटी ले लिया हमने। ये सिटी है हैज आइटम्स। आइटम इज अ लो रिस्क आइटम और अ हाई रिस्क आइटम। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा है क्वेश्चन दोबारा देख लो। मेक एन ईयर डायग्राम ऑफ ए वेयर हाउस। द वेयर हाउस हैज टू टाइप ऑफ आइटम्स लो रिस्क आइटम हाई रिस्क आइटम। लो रिस्क आइटम्स आर इशूड ऑन रिसिप्ट ऑफ सिंपल चलान बट द हाई रिस्क आइटम्स आर इशूड ओनली इफ द चलान इज वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय प्रॉपर अथॉरिटीज। द इशूज आर मेड ओनली टू अ वैलिड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मेक नेसेसरी अजम्पशन एंड दैट्स इट। ठीक है तो वेयर हाउस वाला क्लियर हुआ है देन से यस। इफ इट इज फाइन देन से यस। क्लियर हुआ है? यस सर। बट सर जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हमें इसी तरह से डायग्राम से बना के क्लियर क्लियर करना है। डायग्राम बनाना है नथिंग एल्स ओनली डायग्राम बनाना है। ठीक है ऑलराइट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम फॉर ए कार इंश्योरेंस डेटाबेस दैट इंक्लूड्स डेटा अबाउट कस्टमर्स कार्स एंड एक्सीडेंट्स ड्राइवर्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट्स एंड इंजर्ड ड्राइवर्स और पैसेंजर्स। नोट दैट एनी कस्टमर कैन इंश्योर मैनी कार। Each car may have different drivers at different times and accidents typically involve one or more car. मतलब
आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक पर्पल वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपने एक ईआर डायग्राम बनाना है कार इंश्योरेंस डेटाबेस के ऊपर, जो कस्टमर्स और कार्स और एक्सीडेंट और उनके ड्राइवर की जानकारी रखेगा, इंक्लूडिंग ड्राइवर कौन कौन से इंजर्ड हुए, पैसेंजर कौन कौन से इंजर्ड हुए वगैरह वगैरह। ईआरडी के अंदर ना क्वेश्चन तो बहुत लंबी लंबी कहानी में आता है, लेकिन इसका जो आंसर होता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये देखिए। अब इसका जो वैसे जो बना सकते हैं हम किसी भी तरीके से, अगर आपको समझ में आता है तो हम बना सकते हैं ऐसे, कैसे, मैंने बोला कार इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स कार, कैसे, मैंने बोला कार इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स कार, कार ऑन बाय कस्टमर ठीक है, और आगे ड्राइवर कार ड्राइव बाय ड्राइवर, ये सब बना सकता हूं, बट हमने ऐसे नहीं बनाना, हमने इसका सिंपल बनाना है, क्या कार लॉग एक्सीडेंट, मतलब कार लॉग एक्सीडेंट, सिर्फ इतना ही बनेगा इसका। ये लॉग क्या होता है, लॉग का मतलब होता है डेटाबेस, क्योंकि हमको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, जो उसको ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम फॉर द कार इंश्योरेंस डेटाबेस। थोड़ा छोटा कर देता हूं उसको मैं, कार इंश्योरेंस डेटाबेस। तो जब डेटाबेस की बात आ रही है, कार इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं आ रही, डेटाबेस के बारे में बात आ रही है, तो कार किसका डेटाबेस मेंटेन करेगी, एक्सीडेंट्स का, ठीक है। तो अब किसका कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे कार की, कार का ओनर होगा, कार का प्राइस होगा, कार का मेक मॉडल चेसी नंबर होगा, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का क्या रखोगे, एक्सीडेंट का ड्राइवर, स्पॉट, डेट, टाइम और डैमेज अमाउंट, ये लिखा है डैमेज अमाउंट, डैमेज अमाउंट। अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऐसे बनाना है, तो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं और उसका कोई मीनिंग निकल रहा होगा तो आप बना सकते हैं, कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। आप कहते हो जी मैं तो इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो इसको दूसरे तरीके से बनाऊंगा, कौन से दूसरे तरीके से जी, आपने कहा जी मैंने बोला कार इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स कार्स, कार बीट्स एक्सीडेंट, कार ड्रिवन बाय ड्राइवर्स, ड्राइवर्स इंजर्ड इन एक्सीडेंट। इस तरीके से आप बनाना चाहो, कैसे मेल मिलाप करके तो आप बना सकते हो, और भी इसमें हो सकता है पर मैं उसके अंदर एंटर नहीं कर रहा हूं। एक सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक बताया कि अगर कार एक्सीडेंट का आता है तो आपने करना है कार लॉग एक्सीडेंट। अब यहाँ पे कार के अंदर यूनिक की क्या होगी, चेसी नंबर, क्योंकि कार के मॉडल सेम हो सकते हैं, प्राइस सेम हो सकते हैं, ऑनर दो ऑनर मतलब एक ऑनर के बाद दो गाड़ियां हो सकती है, तो ऑनर का नेम सेम हो सकता है, मेक कंपनी का नेम सेम हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट के अंदर ड्राइवर को हम यूनिक की मानेंगे,
क्योंकि एक ही समय में बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, डैमेज अमाउंट भी कॉमन आ सकता है, लेकिन एक समय में तो एक ही कार ड्राइवर के द्वारा ड्राइव कर रहा होगा ना, और एक्सीडेंट को भी एक ही समय में एक ही ड्राइवर क्षतिग्रस्त होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ड्राइवर इज अ यूनिक की, ठीक है। तो इस तरीके से हम कार और एक्सीडेंट का बना सकते हैं। समझ में आया है? कार एंड एक्सीडेंट का कोई डाउट तो नहीं है? सर अच्छा, एक और देखते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं मैं। देखिए, तीसरे वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, इसको हम कलर कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जतिन, अरे वो ना मेरे एक अंकल है, उनका ना एक्चुअली एक्सपायर हो गया वो, तो मैं, हाँ अंकल भी रहे एक्सपायर हो गए, तो मैं सुबह से वहीं था और कल भी मैं पूरे दिन वहीं होऊंगा, तो इसलिए मेरी ना उनसे बात नहीं हो रही है। तो मैं तुम्हें जैसे भी फ्री होके ना अपडेट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है ना? ओके 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 चलिए बेटे क्लास में। हाँ जी, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड बैंक ऑफर्स 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नेमली सेविंग्स, रिकरिंग, लोन, करंट एंड मनी मार्केट। इट ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड क्लाइंट ऑफ द बैंक कैन हैव एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स इंडिविजुअल एंड ज्वाइंट। आइडेंटिफाई द एंटिटीज ऑफ योर इंटरेस्ट एंड शो देयर एट्रीब्यूट्स। व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दीज एंटिटीज। ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग ईआर डायग्राम, ऑल्सो डिजाइन द रिलेशनल डेटाबेस। मतलब एक आपके पास बैंक है जो 5 तरीके के अकाउंट्स को ऑफर करता है, और वो अकाउंट्स के जो टाइप्स है वो इन्होंने आपको गिवन किए हैं, कौन कौन से, सेविंग, रिकरिंग, लोन, करंट और मनी मार्केट। इट ऑपरेट्स नाउ नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड क्लाइंट्स ऑफ द बैंक कैन हैव एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स, है ना, इंडिविजुअल ज्वाइंट। तो इतनी सब कहानियां अगर लिखी होती है तो मोटा मोटी देखें इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इसमें, तो भाई एट्रीब्यूट्स इसमें जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं अपना, अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट इसमें हो सकते हैं, एक बैंक, एक कस्टमर, और एक हो सकता है अकाउंट्स। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने निकाला कि एक्स वाई जेड बैंक एक बैंक हो गया, ब्रांचेस भी हम कर सकते हैं, क्लाइंट मतलब कस्टमर और अकाउंट्स। तो हमने, अब बैंक और ब्रांच अगर हम करेंगे तो हम रिलेशनशिप शो नहीं कर पाएंगे, तो बैंक एक बड़ा वर्ड है, ब्रांच से बड़ा वर्ड है बैंक, क्लाइंट से बड़ा वर्ड है कस्टमर, और मल्टीपल अकाउंट्स किस में आएंगे, अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे। तो हमने ये तीन एट्रीब्यूट निकाले। जब भी आप तीन एट्रीब्यूट निकालते हो ना, तो तीन एट्रीब्यूट की रिलेशनशिप शो कर सकते हो। कैसे, अगर मैं आपको बोलूं कैसे तीन एट्रीब्यूट की रिलेशनशिप कैसे शो होगी, तो कस्टमर, बैंक और अकाउंट्स, तीन हमारे पास ये एंटिटीज होगी। अगर मुझे इसका ईआर मॉडल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए बड़ा आसान है, मैं अपनी तरफ से जो बनाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, फिर एक्चुअल में मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक, ऑफर्स, अकाउंट्स। बैंक क्या ऑफर कर रहा है, अकाउंट्स। अच्छा, बैंक हैज, बैंक के पास क्या है, कस्टमर्स। कस्टमर क्या करते हैं, अकाउंट्स को ओपन करवाते हैं, कस्टमर ओपन्स अकाउंट्स, बात खत्म। वैसे तो नॉर्मली ये ईआरडी परफेक्ट है जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है,
बैंक में क्या आ जाएगा, ब्रांच कोड, ब्रांच नंबर या ब्रांच कोड, जो कि उनकी यूनिक की होगी। बैंक में हमेशा ध्यान रखें एक एट्रीब्यूट जरूर ले, ऑलवेज एसेट्स, और बैंक की सिटी कि बैंक कहां पर है। अकाउंट्स में अकाउंट नंबर जो कि यूनिक वैल्यू होगी, अकाउंट का टाइप, टाइप मतलब सेविंग, लोन, रिकरिंग, मनी मार्केट क्या, और बैलेंस। अकाउंट नंबर के आगे बैलेंस। कस्टमर में क्या हो जाएगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस एक्सेट्रा, लाइक दैट। तो ये मैंने जो बनाया ये परफेक्ट है, आप बना सकते हो, लेकिन इसको भी मैंने समराइज करके तीन एंटिटीज को क्लब करके बना दिया। जब भी तीन एंटिटीज को क्लब करेंगे ना, तीन एंटिटीज को क्लब करेंगे तो उसको बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप। और ये जो टर्नरी रिलेशनशिप का फंडा है ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। अब आप बोलेंगे इन तीनों को एक ही रिलेशनशिप में बांध दिया, हाँ एक ही रिलेशनशिप में बांध दिया, तो अब इसका नाम क्या रखें, कोई ऐसा नाम जो सब में एप्लीकेबल हो। तो जब हमें नाम नहीं सूझ रहा होता किसी रिलेशनशिप का, तो हम तीनों के इनिशियल करेक्टर रख देंगे, जैसे सी बी ए, सी बी ए, सी फॉर कस्टमर, बी फॉर बैंक, ए फॉर अकाउंट्स। आप ए बी सी भी रख सकते थे, आप बी सी ए भी रख सकते हो, आप बी एस सी भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारे पास टर्न रिलेशनशिप, इनके एट्रीब्यूट सेट कर दीजिए जो जो भी आपको लगता है, दैट्स इट। ये आंसर है, ये ज्यादा बेटर वे है क्योंकि आप इसको समराइज करके बना रहे हो। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बना रखा है हमने बैंक अकाउंट और कस्टमर, हमने रख दिया बी ए सी, आप कुछ भी रख सकते हो, बी सी ए भी रख सकते हो, ठीक है ना। और इनके एट्रीब्यूट सेट करते समय ध्यान रहे कि बैंक का जब भी एट्रीब्यूट सेट करेंगे तो एसेट्स जरूर लिखेंगे, अकाउंट में अकाउंट का टाइप, बैलेंस जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये तीन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट कवर होता है। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अब जो मैंने आपको असाइनमेंट कहा गया ये रहा, तीन मैंने आपको आपको करवाए हैं, अब ये आप देख लीजिए, चौथा एबीसी सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड वाला, पांचवा डिपार्टमेंटल स्टोर में ऑलरेडी करवा चुका हूं, छठा यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल का, तो छह तक आपको कंप्लीट कर लेने, तीन मैंने करवा दिए, पांचवा भी मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, छठे के दो पार्ट है यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल, ये आप तीनों क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना लेंगे, तीनों मैंने करवा दिए। समझ में आया, कोई डाउट है, क्लियर है? यस सर। चलिए तो आज इतने ही करेंगे इसमें, अभी हम पांच मिनट के बाद C++ की क्लास स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आई थिंक। यस।